आर्ट्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। क्लास 12 आर्ट, आज अपन लौह अस्क प्राप्ति, जिसमें पहले आपने अध्ययन किया, उसके बाद में तांबे के बारे में बताया, उसके बाद में एल्यूमिनियम, आज अपन अभ्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अभ्रक ये भी एक महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में है। ये कैसे खनिजों की, यानी ये ऐसा खनिज है जो अलोह धातु के रूप में माना जाता है। अलोह धातु के रूप में है और यहां से बताया गया है कि ये आग्नेय और कायंत्रित, यानी चट्टानों की बात है कि जो अभ्रक है ना, वो पर आग्नेय और कायंत्रित जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, या आग्नेय और जो कायंत्रित जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों में ये पाया जाता है। इसका रंग कैसा होता है, सफेद या गुलाबी रंग के रूप में। अभ्रक की बात करें तो ये सफेद या गुलाबी रंग का होता है और ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। इसकी विशेषता है कि ये क्या है, एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। ये क्या होता है, इसकी विशेषता के रूप में ये नगण्य होता है। इसके साथ साथ में ये क्या होता है, इसमें नगण्य की यानी हल्का भी होता है, हल्का होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला होता है और उस चमकीले में यानी चमक आ जाती है। कोई भी चीज अगर जैसे अपन लगा लेते हैं तो वो उस पर चमक आ जाती है, वो कोई भी हो सकता है, तो चमकीला या पारदर्शी, पारदर्शी कैसा होता, पारदर्शी का मतलब आर पार इसमें देखा जा सकता है। और पारदर्शी के साथ साथ में ये क्या है, परतदार, कैसा होता है, परतदार। ये इसकी कुछ विशेषताओं के रूप में, रंग कैसा होगा, सफेद या गुलाबी। इसी प्रकार से इसमें कुछ विशेषता के रूप में ये नगण्य होता है, वजन में हल्का होता है, चमकीला होता है और पारदर्शी या परतदार होता है। आगे क्या बताया गया कि ये कठोर भी होता है, कठोर कैसा होता, कठोर होता है या भंगुर प्रवृत्ति का होता है। और इसी में अगर देखें तो इसका जो उपयोग है ना, वो उपयोग भी काफी कार्यों में किया जाता है। यहाँ देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं उनमें इसका उपयोग किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि हैं उसके रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, या वायुयान के रूप में, किस किस के रूप में उपयोग की बात करें, इसमें उपयोग, उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, वायुयान, वायुयान के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, टेलीफोन, रेडियो, धंधे लेना क्या, वायुयान के रूप में, टेलीफोन के रूप में, रेडियो के रूप में, या दूरदर्शन, दूरदर्शन, ये ऐसे जो हैं जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और ये अभ्रक हमारे लिए, यानी इसका उपयोग भी माना गया है जिसमें सजावट के सामान के रूप में, सजावट, सजावट के सामान, कोई भी अपन जैसे जिस सुंदरता के रूप में अगर देखें कि उसको अच्छा बनाने के लिए
उसको अच्छा सजाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इस अभ्रक का उपयोग करते हैं। और चश्मे और भट्टियों के ईंटे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चश्मे होते हैं या जो भट्टियां आदि होती हैं उनमें भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो बात किसकी कर रहे हैं अपन, अभ्रक की कर रहे हैं। अब देखो ये अभ्रक भारत में किन किन राज्यों से प्राप्त किया जाता है या उत्पादित किया जाता है, तो इन चीजों को अपन नक्शे के आधार पर भी आपको याद करना होगा ताकि जल्दी आप ये याद हो सके। तो बात करते हैं यानी अभ्रक प्राप्ति के क्षेत्र। अभ्रक क्या प्राप्ति के क्षेत्र, अभ्रक प्राप्ति के क्षेत्र, तो अभ्रक प्राप्ति के क्षेत्रों में यानी भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिससे अभ्रक का उत्पादन किया जा रहा है, तो उन राज्यों में नंबर एक आता है आंध्र प्रदेश। राज्य का नाम क्या होता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ध्यान है जो दक्षिणी राज्यों के रूप में है और इसी आंध्र प्रदेश राज्य से किसका विघटन हुआ था, तेलंगाना, कब बना था ये, 2 जून 2014 को ये कौन सा राज्य बन गया था, तेलंगाना। और इसमें ये भी निर्धारण किया गया था जिस इन दोनों राज्यों की राजधानी कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए क्या रहेगी, हैदराबाद। इन दोनों राज्यों की राजधानी क्या रहेगी, हैदराबाद। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, अभ्रक के बारे में, कि अभ्रक का जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश राज्य क्या है, वो राज्य है जो सबसे अधिक क्या करता है, इसका उत्पादन करता है। तो यहां बताया गया कि देश के कुल अभ्रक उत्पादन में यानी जो देश का जितना भी अभ्रक का उत्पादन होता है उस अभ्रक उत्पादन में किसका, आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है, प्रथम स्थान माना जाता है, जो क्या करता है, देश का लगभग 72.56% वो ज्यादा उत्पादन करता है, 72.56% उत्पादन करके प्रथम स्थान पर कौन है, आंध्र प्रदेश, किसके अंतर्गत, अभ्रक के। इन चीजों को जब तक गहराई से ध्यान नहीं दोगे याद नहीं होगा, रट्टा फीके से मत किया करो, उस चीजों को समझने का प्रयास करो कि ये इसका उत्पादन दिया गया है कि 72.56% उत्पादन, या अपन इसको इकाई की बात करें तो उस इकाई में दिया गया है 883, कितना, 883 टन क्या करता है, अभ्रक का क्या करता है, उत्पादन करता है। और ये किस रूप में है, प्रथम राज्य माना गया किसके आधार पर, अभ्रक के आधार पर। यहाँ के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के बारे में बताया, अब देखिए उत्पादन करने वाले क्षेत्र, उत्पादन करने वाले क्षेत्र कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, जिसमें विशाखापट्टनम, कौन कौन सा बताया, विशाखापट्टनम, कृष्णा, पूर्वी। देखो ये विशाखापट्टनम पतन के रूप में भी है और इसके साथ साथ में यहाँ कृष्णा जो यहाँ का जिला है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, ये नदी के रूप में है, ये दोनों पूर्वी और पश्चिमी जो गोदावरी, ध्यान दे लेना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे
बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। लेकिन ये आंध्र प्रदेश, इस आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जो गोदावरी क्या है, जिले हैं, उन जिलों से क्या प्राप्त किया जाता है? अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो इसके साथ साथ में यहाँ खमाम बहुत अच्छा स्थान है। खमाम क्या नाम बताया? खमाम। ये खमाम जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, और अनंतपुर, ये क्षेत्र कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। तो आपको बताया कि जो आंध्र प्रदेश देश का अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य, जो 72.56% का क्या करता है? उत्पादन करता है। यदि इसका प्रतिशत की जगह यहाँ इकाई के आधार पर देखें, तो उसमें यानी कुल उत्पादन में देखें तो 883 टन उत्पादन करता है। उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की बात करें, विशाखापट्टनम जो यहाँ का एक पतन के रूप में भी है, कृष्णा है, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी है, एक खमाम है, इसके अलावा अनंतपुर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से अभ्रक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर बहुत प्रसिद्ध है और नेल्लोर की अभ्रक अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। नेल्लोर का नेल्लोर, और यहाँ की जो अभ्रक है ना, किसके लिए? गुणवत्ता, गुणवत्ता के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ उत्तम श्रेणी की क्या पाई जाती है? ये अभ्रक पाई जाती है। अब नंबर दूसरा राज्य आता है राजस्थान। पहला कौन सा? आंध्र प्रदेश, और दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से अभ्रक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। देखिए कि राजस्थान राज्य आज खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य माना जाता है। आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में लगभग 82 प्रकार के क्या पाए गए हैं? खनिज पाए गए हैं। उन 82 प्रकार के खनिजों में से 57 ऐसे खनिज हैं जिनका उत्पादन यानी आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो राजस्थान क्या करता है कि जिसमें अभी आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश से 72.56% प्रथम स्थान, नंबर दूसरा स्थान आता है राजस्थान का। राजस्थान अब इसमें क्या है कि राजस्थान जो अभ्रक उत्पादन में इसके बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है, जो लगभग 15.61% या कुल उत्पादन में अगर देखें उसमें 190 टन, कितना? 190 टन उत्पादन करके और देश का दूसरा प्रमुख राज्य माना जाता है। यहाँ उत्पादन करने वाले जिलों की बात कर राजस्थान में, राजस्थान के प्रमुख जिले जिसमें भीलवाड़ा, कौन कौन से जिले बताए हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, इन जिलों से क्या किया जाता है? अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद, ये ऐसे जिले हैं जिससे अभ्रक का काफी उत्पादन
किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र हैं जिससे क्या किया जाता है, अभ्रक का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें टोंक, अलवर, टोंक, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, आदि जिलों से भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ये अभी आपको किसके बारे में बताया, राजस्थान के बारे में। कितना प्रतिशत करता है, 15.61%। यदि इसका उत्पादन देखें तो कितना, 190 टन। उत्पादन करने वाले जिलों की बात करें, भीलवाड़ा, क्योंकि अभ्रक में जो भीलवाड़ा सबसे अग्रणी माना गया है, तो भीलवाड़ा है, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद, ये चार ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे अधिक राजस्थान की दृष्टि से अभ्रक का उत्पादन होता है। इसके अलावा, इन जिलों के अलावा जिसमें टोंक है, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर, इन जिलों से भी क्या किया जाता है, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। नंबर तीसरा, झारखंड। तीसरा राज्य कौन सा है, झारखंड। साथ में बिहार भी ले लेते हैं। झारखंड व बिहार, इन राज्यों से भी अभ्रक का उत्पादन किया जा रहा है, और ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिससे सम्मिलित रूप में अभ्रक का उत्पादन किया गया है। यानी नंबर एक पर कौन सा था, आंध्र प्रदेश, नंबर दो पर कौन सा है, राजस्थान, नंबर तीन पर कौन कौन सा आया, झारखंड और बिहार, जो कितना प्रतिशत उत्पादन करते हैं, 11.83 प्रतिशत, या लगभग 144 टन के लगभग क्या करते हैं, अभ्रक का उत्पादन ये दोनों राज्यों के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले किसका बताया था, नंबर एक पर तो किसका बताया था आपको, जिसमें आंध्र प्रदेश 72.56%, नंबर दो पर राजस्थान जिसमें आपको 15.76 के लगभग बताया, उसके बाद में तीसरा आता है झारखंड और बिहार, और इसमें कितना है, 11.83 या 144 टन के लगभग। अब यहाँ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, या उत्पादन करने वाले स्थानों की बात करें या जिलों की बात करें, जिसमें देखो हजारीबाग, गया, ये जिला है गया जो बिहार में है, गया। इसके अलावा कोडरमा, कोडरमा, भागलपुर, मुंगेर और संथाल, भागलपुर, मुंगेर, संथाल आदि ऐसे जिले हैं जिससे किसका उत्पादन किया जाता है, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। और कुछ यहाँ अगर देखें तो यहाँ जो अभ्रक उत्पादित होती है वो अभ्रक लाल रंग की और उत्तम किस्म की अभ्रक निकाली जाती है। रंग कैसा, लाल। किस्म की बात करें, उत्तम किस्म की अभ्रक का उत्पादन
किया जाता है। तो ये कौन कौन से राज्य की बात थी, झारखंड और बिहार की। तो अभी अपन ने अभ्रक के बारे में बात की कि जिसमें नंबर एक पर आपको बताया था आंध्र प्रदेश, नंबर दो पर राजस्थान और नंबर तीन पर आता है झारखंड और बिहार। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ से अभ्रक का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और लास्ट आता है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में भी अभ्रक का क्या होता है, उत्पादन होता है। लेकिन इन राज्यों की तुलना में यहाँ पर बहुत कम उत्पादन होता है। यहाँ के उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की बात करें तो जिसमें तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, इसके अलावा कोयंबटूर, यानी ये दो ऐसे स्थान हैं जो तमिलनाडु से किसका उत्पादन किया जाता है, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अन्य राज्यों में ये तो प्रमुख राज्य थे जहां से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों के अलावा कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनसे अभ्रक का उत्पादन किया जा रहा है। उन राज्यों में बात करें तो जिसमें आता है केरल, और केरल के साथ साथ में छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा, और इन राज्यों के भी कुछ स्थान हैं जहां से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो अपन बात की थी अभ्रक प्राप्ति के क्षेत्रों के बारे में। अब आता है इस अभ्रक का उत्पादन और व्यापार। अभ्रक उत्पादन और व्यापार, यानी कितना इसका उत्पादन हो रहा है और साथ में इसका व्यापार। तो देखिए भारत में विश्व का लगभग अगर देखें 80% अभ्रक निकाला जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर, भारत में। यानी भारत की अगर बात करें तो भारत में यानी विश्व का कितना, 80%, केवल 20% अन्य देशों से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। 80% अकेला कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो यहाँ जो अभ्रक जो प्राप्त किया जाता है वो उत्तम श्रेणी का है, और इसी कारण से अभ्रक का पूर्णतः एकाधिकार किसका है, भारत का है। यहाँ बताया गया कि जो अभ्रक है ये उद्योगों आदि के रूप में इसको तैयार किया जाता है। सन 2013-14 की बात करें, यानी 13-14 में कितना उत्पादन हुआ, तो वो उत्पादन लगभग 1610 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ। कहां पर, भारत में। और इस कारण से भारत का क्या है, अभ्रक में एकाधिकार के रूप में माना जाता है। तो हमने इस पाठ नंबर 16 में मुख्य मुख्य टॉपिकों के बारे में आपको बता दिया गया, और इसी कारण से ये जो पाठ है ये एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में माना जाता है, और जिसमें आपको ये मुख्य टॉपिक करवा दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई समझ में नहीं आता है तो जैसे क्लासें लगेंगी उस वक्त आपको बता दिया जाएगा। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है और ये पाठ भी पूरा होता है।